गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है आपको कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अपने 11th के स्टूडेंट्स के बारे में, मैं वीडियोज़ बना रहा था आप लोग के लिए, लेकिन अब चूंकि हमारे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि सर 12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाइए, जैसा कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो चलिए, मैंने अभी डिसाइड किया है कि जब तक हमारे 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तब तक हम 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ बनाएंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं मैंने जो 11th के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इवन 12th, BSc और जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, दैट इज़ DNA। हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि DNA क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, तो इस वीडियो में हम DNA के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो DNA होता है हमारा, वो पूरा नाम आप सभी ने पढ़ा होगा, दैट इज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पहला DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस वीडियो में हम DNA की बात करने वाले हैं। तो DNA, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा नाम इसका लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहले हम बात करेंगे DNA के हिस्ट्री से। हिस्ट्री का मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किसने खोज की इसकी और कैसे हमने इसके बारे में जाना। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हो बोर्ड पर लिखा हुआ है हिस्ट्री में, इन 1868, सबसे पहले 1868 में फ्रेडरिक मिशर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर्ड द DNA इन द पस सेल। सबसे पहले DNA की डिस्कवरी की, DNA की खोज की कहाँ, पस सेल में। पस क्या होता है, जनरली हम सुनते हैं चोट लगने पर कई बार हमारी बॉडी में पस मवाद बन जाता है, उसी को बोलते हैं पस सेल। तो पस सेल के अंदर सबसे पहले 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने DNA की खोज की। इसके बाद एंड गेव द नेम न्यूक्लीन, और इसका एक नाम भी रखा, दैट वॉज न्यूक्लीन। तो पहला पॉइंट आप याद रखें हिस्ट्री में कि 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने DNA को डिस्कवर किया, उसकी खोज की, सबसे पहले कहाँ की, पस सेल में, और नाम क्या रखा, न्यूक्लीन नाम रखा। इसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए 1889 में और उनका नाम था अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस द टर्म न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने इसके लिए DNA के लिए जो वर्ड यूज किया, न्यूक्लिक एसिड, पहली बार इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा। तो दूसरी जो डिस्कवरी है वो क्या है, 1889 अल्टमैन, और उन्होंने इसको नाम दिया क्या, न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद बीच में और कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई, बट हम लोग यहाँ पर खास पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे खास पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि 1953 में दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था JD वॉटसन एंड FC क्रिक। इन दोनों ने मिलकर DNA का एक डबल हेलिकल मॉडल, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हो, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA बोल सकते हैं, उसको प्रपोज किया। इसको हम लोग 3-dimensional स्ट्रक्चर यानी 3D स्ट्रक्चर ऑफ DNA भी कहते हैं। तो इसमें इन दो साइंटिस्ट का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है, वॉटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन भी यही लिखकर आता है कि वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया DNA का डबल हेलिकल मॉडल बताइए। तो वॉटसन एंड क्रिक के साथ में दो वैज्ञानिक और थे, उन्हें भी आप जान लें, जिनकी हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया। उन वैज्ञानिकों के में पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैरिस विल्किंस और दूसरे थे फ्रैंकलिन। तो ये दो लोग थे जिन्होंने इसमें हेल्प की। एक्चुअली इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा DNA के पिक्चर्स क्लिक किए। एक्सरे डिफ्रेक्शन से DNA के जो पिक्चर्स थे उनकी हेल्प को लेकर वॉटसन और क्रिक ने DNA का डबल हेलिकल मॉडल दिया। तो कुल मिलाकर इन दोनों ने भी हेल्प की। तो यहाँ पर चारों लोगों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है DNA के डबल हेलिकल मॉडल में। तो आप याद रखें, इन 1953 में JD वॉटसन, FC क्रिक ने विल्किंस और फ्रैंकलिन की मदद से DNA का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया, और इसके लिए इनको 9 साल के बाद 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया। तो ये सारी बातें हमने शॉर्ट में कर ली DNA के हिस्ट्री के बारे में बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं DNA के अकरेंस के बारे में, मतलब ये कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहली बात आप अकरेंस में याद रखें कि हमारा ये जो DNA है वो हमारी सेल्स के अंदर होता है। आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी, सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव हैं, सबके शरीर में क्या होता है, सेल्स यानी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है DNA। किस रूप में होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में होता है। ओके, आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपने देखा सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
इनके अंदर भी डीएनए होता है। तो मुख्य रूप से डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, केंद्रक में मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी ये पाया जाएगा। तो अकरेंस में आप जान लो कि डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। अब ये तो आपने जान लिया कि डीएनए कहाँ होता है, अब हम बात करेंगे कि डीएनए का क्या कंपोजिशन होता है, किस तरीके से डीएनए का निर्माण होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर डीएनए को बनाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं डीएनए के कंपोजिशन की। इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट सा बना के दिखाऊंगा और उसे मैं आपको याद कराऊंगा और बहुत ही इजी वे में आप समझ जाओगे कि किस तरीके से हमारे डीएनए का निर्माण हुआ है। आई बोर्ड पर ध्यान दें। तो आपको बता दूं कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट्स का नाम होता है नाइट्रोजिनस बेस, तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखा, नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा जो कंपोनेंट होता है डीएनए में वो होता है पेंटोज शुगर, तो दूसरा कंपोनेंट हमने लिख दिया पेंटोज शुगर। और तीसरा जो कंपोनेंट है डीएनए का वो होता है फास्फोरिक एसिड। तो हमारा डीएनए कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, तीन। अब वो कौन कौन सी तीन चीज़ें आपको बताएगी, पहली चीज़ हमने आपको क्या बताई, दैट इज़ द नाइट्रोजिनस बेस, तो ये हो गया नाइट्रोजिनस बेस। दूसरी चीज़ हमने आपको क्या बताई, पेंटोज शुगर। और तीसरी क्या चीज़ बताई आपको, फास्फोरिक एसिड। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनके बीच में हम प्लस का निशान लगा देते हैं, इसका मतलब इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा डीएनए बना हुआ है। अब पहले क्या होता है, पहले हमारे नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में अटैच होते हैं और इन दोनों के मिलने से बनते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो क्या हुआ, हमारे नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर आपस मिले और क्या बना लिया इन्होंने, न्यूक्लियोसाइड बना लिया। इसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये अटैच होते हैं किसके साथ में, फास्फोरिक एसिड के साथ में, और ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स आपने जान लिए और न्यूक्लियोसाइड्स के बाद क्या बना, न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या समझा आपने, मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे डीएनए में पहला कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिले और क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड बनाए। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फोरिक एसिड अटैच हुआ तो क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। अब इसी तरीके से कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनते चले गए, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स की एक पूरी चेन बन गई। तो इस चेन को दिखाने के लिए हम इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को बना रहे हैं ये। तो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके अंदर क्या लिख दिया है, एन बना दिया। एन का मतलब क्या समझते हैं आप, न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड बन गए और ये सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन के फॉर्म में आपस में जुड़ गए। न्यूक्लियोटाइड्स की इस चेन को हमने नाम दिया पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, इट इज द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को ही हम कहते हैं डीएनए। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि डीएनए हमारा क्या होता है, आपने क्या क्या समझ लिया, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ कि हमारे डीएनए में तीन चीज़ें हैं, पहली क्या चीज़ है, नाइट्रोजनस बेस, दूसरी क्या चीज़ है, पेंटोज शुगर, और तीसरी क्या चीज़ है, फास्फोरिक एसिड। यहाँ पर मिस्टेक हो गई मुझसे, फास्फोरिक, एस मिस हो गया था, तो फास्फोरिक एसिड। अभी क्या है, पहले नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलेंगे और क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलेंगे और क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बनाएंगे और इस चेन को हम क्या कहेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, और इसी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को हम डीएनए भी कहते हैं। तो सिंपली आपने क्या समझा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनसे मिलकर ही हमारा डीएनए बना होता है, यानी कि हमारे डीएनए की एक सिंगल यूनिट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड। जब हजारों न्यूक्लियोटाइड एक चेन के फॉर्म में आ जाएंगे तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी और उसी को हम लोग डीएनए कह देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा, अच्छा अगर आप एग्जाम में इसे लिखते हो तो आप इसकी हेडिंग क्या बनाओगे, दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। कंपोजिशन ऑफ डीएनए का मतलब डीएनए का संगठन। ओके, संगठन का मतलब किस किस चीज़ से हमारा डीएनए मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा डीएनए का कंपोजिशन। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप एग्जाम में इसको अच्छे से बना पाओगे। अब कंपोजिशन के बाद हम बात करेंगे डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर की, यानी इन्हीं चीज़ों को हमें डिटेल में जानना है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है नाइट्रोजनस बेस को। तो पहले हम नाइट्रोजनस बेस को जान लेते हैं ये क्या होते हैं, और फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे एक केमिकल स्ट्रक्चर जिससे बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमारा डीएनए कैसा होता है। तो चलिए नाइट्रोजनस बेस की बात, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की, कि ये जो नाइट्रोजनस बेस हमारे डीएनए में होते हैं ये कितने तरह के लगे होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनको, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा कि नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, पहले हैं प्यूरीन और दूसरे हैं पिरिमिडीन। अभी जो प्यूरीन होते हैं, प्यूरीन में आता है
दो तरह के नाइट्रोजनस बेस, पहला है एडेनिन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और दूसरा है ग्वानिन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। तो एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया। इसी तरीके से अगर पिरामिडिन की बात करें तो पहला पिरामिडिन है थायमिन जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा पिरामिडिन होता है साइटोसिन जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेनिन ग्वानिन ये दोनों क्या हैं, पिरामिडिन सॉरी प्यूरिन है, इनको ए और जी लिखेंगे हम लोग, और पिरामिडिन क्या होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। एक पिरामिडिन और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बट वो डीएनए में नहीं होता है, वो आरएनए में पाया जाता है, लेकिन चूंकि बात यहाँ पर चल रही है नाइट्रोजनस बेस की तो आपको जानना ज़रूरी है, दैट इज़ द यूरेसिल, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो ये जो यूरेसिल होता है ये पाया जाता है हमारे आरएनए में, किसकी जगह पर होता है, ये टी की जगह पर होता है। तो आरएनए में कौन कौन से हो गए आपके, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, और टी की जगह पर क्या आ गया, यू आ गया, और क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। डीएनए में जो आपने चार लिखे हैं, तो इस बात को आप ऐसे भी समझ लें कि हमारे डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। लेकिन अगर आरएनए की बात हो रही है तो आप देखो यहाँ पर होगा एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, और टी की जगह पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा और साइटोसिन होगा। तो ये हो गए हमारे डीएनए के नाइट्रोजनस बेस, और ये हो गए हमारे आरएनए के नाइट्रोजनस बेस। तो ये हो गए आपके नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद अगली जो चीज़ हमने आपको बताई थी वो क्या बताई थी, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अभी जब हम केमिकल स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं आपने समझ लिए होंगे कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। अब इनको मिलाकर जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आइए उनको जानते हैं वन बाय वन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर की। तो यहां पर हमने एक हेडिंग डाल दी, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब आप देखो कि डीएनए में कौन कौन सी चीजें हमने आपको बताई थी, तीन चीजें। पहली क्या चीज थी, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस को हमें यहां पर ऐड करना है, तो नियम क्या है कि ए के सामने हमेशा क्या आता है, टी आता है, मतलब प्यूरिन के सामने हमेशा क्या आता है, पिरामिडिन आता है। तो ए के सामने हमने टी बना दिया, और इनको हम यहाँ बॉक्सेस के अंदर बंद कर देते हैं ताकि जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से बन सके। अगली ज़रूरी बात, ए और टी के बीच में यानी एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा दो यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। तो ये मैंने यहाँ पर दो बॉन्ड बना दिए, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसके ठीक बाद हमारा अगला, आपको पता है ए के सामने हमने टी लिख दिया, तो अब क्या है, जी और सी बचे हैं। तो यहाँ पर हमने जी लिख दिया, जी के सामने हमेशा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये जी हो गया और ये सी हो गया, इनको भी हम बॉक्सेस के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये जी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और जी और सी के बीच में हमेशा बॉन्ड कैसे आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसी क्रम को हम लोग फिर से बढ़ाएंगे आगे। तो अब की बार हमने टी को इधर कर दिया और ए इधर आ गया, इस बार सी यहाँ आ गया और जी यहाँ चला गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको भी कवर कर दिया, बॉन्ड्स वही हैं। ए और टी के बीच में हमेशा कैसे बॉन्ड्स आएंगे, डबल, और जी और सी के बीच में हमेशा कैसे बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल। ये एक्चुअली एक रूल है जिसको कहते हैं चारगाफ्स रूल। एक वैज्ञानिक थे इरविन चारगाफ, जिन्होंने डीएनए के बारे में अपने रूल्स दिए, जिनको हम लोग आगे वीडियोज़ में जानेंगे कि ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी आएगा, ये उन्हीं का रूल है। जी के सामने हमेशा क्या आएगा, सी आएगा। ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा और जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये हमने नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस लग गए हैं तो आपको पता है कि दो चीज़ें भी बाकी हैं, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। आइए उनको भी अटैच करते हैं यहाँ से। तो पेंटोज शुगर को अटैच करने के लिए हम यहाँ पर पेंटोज शुगर बनाते हैं। तो ये हमने इस तरह से बना लिए, ये किसके लिए हमने सिंबल यूज़ किया है, ये हमने पेंटोज शुगर के लिए इधर इस तरह से बनाएंगे, इधर अपोजिट डायरेक्शन बनाएंगे। तो दोनों तरफ हमें लगाने होते हैं। तो ये हमने पेंटोज, और एस का मतलब क्या हो गया, शुगर, तो इसके अंदर एस लिख दिया हमने। तो नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। अब इनको हम जोड़ देंगे यहाँ से। तो आपको अभी भी पता है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो ये एक न्यूक्लियोसाइड, ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड, ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड, ये हो गया एक न्यूक्लियो, इधर भी इस तरह से हो गए। अब आपको पता है क्या चीज़ बची है, फास्फोरिक एसिड बचा हुआ है। तो फास्फोरिक एसिड को हम लोग लगाते हैं यहाँ पर इसके साथ में, नेक्स्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसी वे में हम लोग इधर भी लगाएंगे,
ये हमारा फास्फोरिक एसिड भी लग गया। तो आपने क्या देखा कि ये बीच में हमने क्या बना दिया, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या बना दिया, पेंटोज शुगर, और ये क्या बना दिया, फास्फोरिक एसिड। तो इतना स्ट्रक्चर जो हमारा बना, हम कह सकते हैं ये इट इज द न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज द न्यूक्लियोटाइड, और ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, और इसी तरीके से हजारों न्यूक्लियोटाइड्स मिलते चले जाएंगे और डीएनए बन जाएगा। तो एक तरफ न्यूक्लियोटाइड की चेन ये हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये हो गई, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए में कितनी चेन्स होती हैं, दो चेन्स आपको दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक संरचना, जिसमें आपने देखा कि डीएनए की दो चेन्स को बनाया गया है, और दोनों चेन्स आपस में किसके द्वारा जुड़ी हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। तो अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जो दोनों चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल, यानी प्रति समानांतर होती हैं। ये बात आप यहाँ पर भी देख सकते हो, और ये चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी। इनके डायरेक्शंस होते हैं, जैसे मैंने कहा इस डायरेक्शन का नाम है 5' और इसका नाम है 3'। ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्शन है 3-5', मतलब ये जो दो चेन्स हैं इनके नाम रखे गए हैं। एक चेन में एक सिरा कौन सा है, 5' का, और दूसरा सिरा क्या है, 3' का। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दूसरा वाला इधर वाला 3' हो जाएगा, इधर वाला 5' हो जाएगा। यही चीज़ अगर हम डबल हेलिकल मॉडल में देखें तो भी हमें यही चीज़ दिखाई पड़ेगी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चेन का डायरेक्शन 3' और 5' है, जो कि इस तरीके से यहाँ पर आई हुई है, और दूसरी चेन जो इधर से है उसका क्या है, 5-3' है। तो ये जो दोनों चेन्स आप देख रहे हो जो यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं कि ये शुगर और फास्फोरिक एसिड की बनी हुई हैं ये वाली, और इनके बीच में ये क्या लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। तो ठीक जैसे यहाँ पर डबल हेलिकल मॉडल में आपने देखा, वैसे यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि डीएनए में ये सब बीचों बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ये सब क्या लगे हैं, नाइट्रोजनस बेस लगे हैं बीच में, और इस तरफ दोनों तरफ शुगर और फास्फेट है। तो आप देख सकते हो ये जो बैंड बने हुए हैं जिनको हम लोग हेलिक्स कहते हैं, ये किसके बने हैं, शुगर और फास्फेट के बने हुए हैं। अब इसके बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये था डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर। कभी भी एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजनस बेस हैं, शुगर्स हैं और फास्फोरिक एसिड हैं। नाइट्रोजनस बेस में आप हमेशा इस बात को याद रखें कि ए के सामने हमेशा टी आएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जी के सामने हमेशा सी आएगा, उसके बाद फिर अल्टरनेट करते चले जाएंगे। उस तरीके से आप कितनी भी लंबी चेन इसकी बना सकते हो। तो ये था हमारे डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद अब हम बात करेंगे डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में। ओके, तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल है इस पर आते हैं हम। डबल हेलिकल मॉडल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताइए, या डिस्क्राइब द डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया उसका डायग्राम आपके सामने यहाँ पर है। अब जितनी भी बेसिक चीज़ें हमने जानी हैं कि हमारे डीएनए में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से उनको अरेंज किया गया है यहाँ पर मॉडल में, आइए बात करते हैं। तो पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या दिखाई गई है कि आप देख पा रहे हो डीएनए में दो चेन्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, एक चेन ऐसे है और एक चेन ऐसे है। इन चेन्स को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, और हेलिक्स बोलने की वजह से मॉडल का नाम रख दिया गया डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स, क्योंकि इसमें दो चेन्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब ये जो चेन्स होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, आपने यहाँ पर देख लिया, इनको मैंने क्या लिख दिया, हेलिक्स लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो हेलिक्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो येलो ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये लिखा है शुगर फास्फेट बैकबोन या हेलिक्स। तो ये किससे बने हुए हैं, आप देख सकते हो बाहर की तरफ क्या है, शुगर या फास्फेट है, ओके। और दूसरी तरफ बीच में आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस दिख रहे हैं। अब नाइट्रोजनस बेस जो हैं उनमें आप देख पा रहे हो कि ए के सामने क्या लगा है, टी, और जी के सामने क्या लगा हुआ है, सी, फिर से टी के सामने ए, सी के सामने जी, और यही क्रम नीचे तक लगातार चलता हुआ चला आएगा। इसमें मैंने एक चीज का और ध्यान रखा है कि जहां पर एडिनिन लगाया है वहां पर सबका एक कलर रखा है, जैसे आप देख सकते हो यहां पर्पल कलर से मैंने ए बनाया है, ब्लू ग्रीन कलर से मैंने टी बनाया है, जी के लिए ब्राउन यूज किया है, और सी के लिए मैंने रेड यूज किया है। तो वही सारा कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट तक रखा हुआ है, इससे ये पता चल जाता है कि कहां कहां पर कौन सा है। जैसे आप देखो जहां भी पर्पल आपको दिखाई दे वहां एडेनिन ही होगा, तो एडेनिन कहां कहां पर है, जहां जहां भी पर्पल कलर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको बीच में क्या लगाने हैं, नाइट्रोजनस बेस लगाने हैं, और साइड्स में ये जो हेलिक्स देख रहे हैं ये किसके बने हैं, शुगर और फास्फेट के बने हुए हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस में आपको पता है ए और टी के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है,
तो यहाँ पर आप मान लो कि ये क्या है, दोनों कैसे जुड़े होंगे डबल बॉन्ड के द्वारा, और सी और जी के बीच में कैसे बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों यहाँ पर कैसे जुड़े हैं ट्रिपल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, अभी बाकी बातें हम जानते हैं मॉडल के बारे में। तो अब सवाल आपके सामने एग्जाम में है कि डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को आपको डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है। इसके बाद जो एक बेसिक बात लिखनी है वो ये है, ये जो लाइन है मैं फिर रिपीट करूंगा कि इन 1953 जे डी वॉटसन एन एफ सी क्रिक प्रपोज द थ्री डायमेंशनल मॉडल और द 3D मॉडल और द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इन दोनों ने मिलकर डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया, जिसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल की क्या क्या खास बातें थी, ये आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाओगे। मैं वन बाय वन सारे पॉइंट बताऊंगा, आप चाहो तो लेक्चर से नोट भी कर सकते हो और सारे पॉइंट्स को वन बाय वन आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहली बात कि हमारे ये जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है इसमें एक मेन एक्सिस होती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो बीच में ये डॉटेड लाइन मैंने खींची है, इसके लिए मैंने क्या लिखा है मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस के चारों तरफ डीएनए के दोनों हेलिक्स पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं एक चेन ये है एक चेन ये है, इनको हम हेलिक्स कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में एक मुख्य अक्ष होता है या मेन एक्सिस होती है, जिसके चारों तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है किसका, दोनों हेलिक्स का। ये दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब प्रति समानांतर, मतलब एक की डायरेक्शन 3-5' और दूसरे की डायरेक्शन 5-3' होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि इनका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। तो व्यास कितना हो गया डीएनए अणु का, 20 एंगस्ट्रॉम। तो जब व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है तो अर्धव्यास कितना हो गया 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये पूरा 20 है तो आधा कितना होगा, ऑब्वियसली 10 होगा। तो रेडियस क्या हो गई या अर्धव्यास क्या हो गया 10 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, अगली बात, 10 न्यूक्लियोटाइड पर डीएनए अपना एक चक्कर पूरा करता है। ओके, आप देखो डीएनए यहां से स्टार्ट होके जब दोबारा यहां पर आएगा, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड आने चाहिए, 10। आपको पता है ये लाइन से क्या लगे, तो आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां तक कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए। तो 10 न्यूक्लियोटाइड पर डीएनए का एक सर्कल पूरा होता है और उन 10 न्यूक्लियोटाइड की जो लंबाई है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद रखनी है। तो 10 न्यूक्लियोटाइड पर डीएनए अपना एक चक्कर पूरा करता है जिसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब जब पूरे 10 की लंबाई 34 हो गई तो एक की लंबाई कितनी हो गई 3.4, तो यहां पर लिखा हुआ है एक की लंबाई कितनी बताइए, 3.4 लिखा है यहां पर, या आप दूसरी भाषा में बोलो तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस पॉइंट में हमने क्या समझा कि डीएनए 10 न्यूक्लियोटाइड पर अपना एक चक्कर पूरा करता है, एक बार रोटेट होता है, और उसका उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अगली बात कि डीएनए जो होता है वो एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। लैडर लाइक मतलब एक सीढ़ी नुमा रचना है। अब हमें पता है कि जो सीढ़ी होती है उसमें दो तरह के पिलर्स होते हैं, पहले ये वाले पिलर्स होते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल पिलर्स, खड़े खड़े हैं ये, और ये वाले पिलर्स जो हैं उनको आप क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। तो आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हो कि आप इमेजिन करो कि ये एक सीढ़ी जैसी है और इस सीढ़ी को ये किसी वायर से बनी है, तार से बनी है, हमने ट्विस्ट कर दिया, बार बार घुमा दिया, तो ऐसे ही क्या बन जाएगा, डीएनए का चेन बन जाएगा। तो इसमें ये जो वर्टिकल वाले आप देख रहे हो पिलर्स, ये किसके बने हुए हैं, ये शुगर के बने हैं, शुगर और फास्फोरिक एसिड के बने हुए हैं। तो दीज आर द वर्टिकल पिलर्स, और ये किससे बन रहे हैं, शुगर से बन रहे हैं एंड फास्फोरिक एसिड से बन रहे हैं, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। बीच वाले जो आपके ये वाले हमारे समांतर डंडे यानी कि हॉरिजॉन्टल पिलर हैं, ये किससे बन रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस से बन रहे हैं, जिसमें आपने देखा एडमिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो डीएनए अणु एक सीढ़ी के जैसी रचना होती है, सीढ़ी के जो लंबे वाले डंडे हैं वर्टिकल पिलर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो बने हैं आपके शुगर और फास्फोरिक एसिड से, और जो सीढ़ी के हमारे क्षैतिज वाले डंडे यानी कि हॉरिजॉन्टल पिलर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो नाइट्रोजनस बेस से बने हुए हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अगली बात, हमारे नाइट्रोजनस बेस में जो पेयर्स होते हैं उनमें प्यूरीन के सामने हमेशा पिरामिडीन आता है। ये अगला पॉइंट है हमारा कि नाइट्रोजन बेस के जोड़े में प्यूरीन के सामने क्या आएगा, पिरामिडीन आएगा। मतलब आपको पता है कि प्यूरीन क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडीन क्या होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। तो हमेशा प्यूरीन के सामने क्या आएगा, पिरामिडीन ही आएगा।
चाहे आप इस तरीके से देख लें, टी के सामने ए, ए के सामने टी, या सी के सामने जी, या जी के सामने सी, एक ही बात है। तो नाइट्रोजन बेस के जोड़े में प्यूरीन के सामने हमेशा पिरामिडीन आएगा। अगली बात हो गई, प्यूरीन और पिरामिडीन के जोड़े में हमेशा ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड। ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी आएगा, और जी के सामने हमेशा क्या आएगा, सी आएगा। ए और टी के बीच में कैसे बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे, और जी और सी के बीच में कैसे बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो हमारा पॉइंट लिखने के लिए क्या होगा कि नाइट्रोजन बेस के जोड़े में प्यूरीन के सामने सदैव पिरामिडीन आता है, इसमें ए के सामने सदैव टी और जी के सामने सदैव सी आता है। ए और टी के बीच में नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, इतनी बातें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब इसके बाद जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं उनका एक छोटा सा रिवीजन देता हूँ, जो खास खास पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। पहली बात कि डीएनए एक मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस के चारों तरफ लिपटे रहते हैं, और एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, मैं उसे दोबारा बता दे रहा हूँ कि जब ये क्वाइलिंग होगी, आप देख रहे हैं कि मेन एक्सिस के चारों तरफ क्या है, क्वाइलिंग है डीएनए की, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक खांच बनी है, माइनर ग्रूव, ये छोटी खांचे बनी हैं, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, माइनर ग्रूव। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी खांच ये है, एक छोटी खांच ये है, और इसी तरह से इनके बीच बीच में कैसी हैं, बड़ी खांचे बनी हैं। तो जब क्वाइलिंग होगी तो खांचे बन जाएंगी, जिसमें से बड़ी खांच को हम क्या कहेंगे, मेजर ग्रूव, और छोटी खांच को हम क्या कहेंगे, माइनर ग्रूव। अब आप इसको लिखने के लिए कैसे लिखोगे कि कुंडलन के कारण या क्वाइलिंग के कारण डीएनए में कुछ ग्रूव्स बन जाती हैं, खांचे बन जाती हैं, जिसमें छोटी खांच को माइनर ग्रूव या लघु अक्ष तथा बड़ी खांच को मेजर ग्रूव या दीर्घ अक्ष के नाम से हम जानते हैं। ये पॉइंट भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये सारी बातें हमने डायग्राम के बारे में बता दी, कोई डाउट आई होप आपको कहीं पर नहीं होगा। अब लास्ट में बात आती है, कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर ये जो डायग्राम है डीएनए का, डबल हेलिकल आपने तो बना दिया बोर्ड पर, हमें एग्जाम में बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बिल्कुल इस डायग्राम को भी आपको बनाकर बताता हूँ कि इसे आप किस तरीके से बनाओगे, और उसके बाद हम बात करेंगे डीएनए के सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व की। तो चलिए बोर्ड पर डायग्राम बनाते हैं मेरे साथ में, आप भी कॉपी पेन रेडी रखिए, और बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाओगे कि इस डायग्राम को हमें एग्जाम में कैसे बनाना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो डीएनए के इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एग्जाम में आप फुल पेज इस्तेमाल करिएगा इसके लिए, और मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि बीच में एक डॉटेड लाइन आप खींचोगे जो कि हमारी मेन एक्सिस बन जाएगी, तो इट इज़ द मेन एक्सिस। इसके बाद दो लाइंस आप इस तरीके से खींच लेंगे अपने पेज के अकॉर्डिंग, जैसे पेज की आपकी लेंथ हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डीएनए के दोनों हेलिक्स को बनाना है। एक ट्रिक होती है जिसको हम समझेंगे अभी, तो पहले सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरीके से इधर ले जाना है, देन ऐसे लाना है। ओके, अब इसे डबल करना है। डबल करने के लिए यहाँ से हम इस तरह से लेके जाएंगे, इसको क्रॉस कर देंगे और ऐसे ले आएंगे, फिर इसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे ले आएंगे, ठीक है। ये हमने एक चेन बना ली, अब दूसरी चेन बनानी है। बस दूसरी चेन बनाते समय ही गलती करते हैं हम, यही हमें समझना है कि गलती कहाँ पर हो रही है, क्यों डायग्राम गलत हो जाता है ये। तो जब होता क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस आ रहा है वो क्रॉस को हम सेंटर में ले आते हैं, जबकि क्रॉस सेंटर में अगर आप ले आओगे तो सारी ग्रुप्स बराबर हो जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है, जरा इसको गौर करिएगा, ये दोनों क्रॉस कहाँ पर हो रहे हैं, एक क्रॉस दोनों का ये हो रहा है, आप देखो अगला नेक्स्ट वाला इधर आ रहा है, फिर अगला इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो क्रॉस अल्टरनेट इस तरीके से होने चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ से जब स्टार्ट करें तो पहला क्रॉस यहीं पर करा दें, ओके, फिर इसको इधर लेकर आए, जब इधर लाएंगे तो दूसरा क्रॉस इधर आ जाएगा, फिर तीसरा क्रॉस इधर चला जाएगा, उसके बाद फोर्थ वाला क्रॉस फिर यहाँ आ गया, इसके बाद फिर यहाँ पर हम इधर आ जाएंगे। तो जब इस तरीके से हम लाएंगे इसको तो क्रॉस सही जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमको जाना चाहिए। आई डबल करते हैं तो देखिए पहला क्रॉस ये बन गया यहाँ पर, दूसरा ये बन गया यहाँ पर, तीसरा ये बन गया यहाँ पर, नेक्स्ट वाला ये। तो आप देखो जरा गौर करो तो आपको दिखाई पड़ेगा, एक क्रॉस ये हो रहा है, एक क्रॉस ये हो रहा है, एक क्रॉस ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो क्रॉस अल्टरनेट इधर उधर हो रहे हैं मेन एक्सिस के। और हम लोग गलती क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जनरली जब पहले सिंपली ये सीधा बनाते हैं और उसके बाद ये बना देते हैं इस तरीके से। तो अब देखो स्टूडेंट्स की क्रॉस तो सारे सेंटर में आ रहे हैं, जब क्रॉस सारे सेंटर में आएंगे तो ये जो खांचे बन रही हैं, ग्रुप्स बन रही हैं, छोटी बड़ी हो ही नहीं पाएंगी, जबकि नियम क्या है कि एक बड़ी ग्रुप है उसके नीचे छोटी ग्रुप आ गई,
छोटी ग्रुप के नीचे फिर बड़ी ग्रुप आ गई, बड़ी ग्रुप के नीचे फिर छोटी ग्रुप आ गई, और दूसरा देखिए कि बड़ी ग्रुप के सामने छोटी ग्रुप आएगी, छोटी ग्रुप के सामने बड़ी ग्रुप आएगी। तो इस तरीके से लाने के लिए आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी जिससे हमारे दोनों हेलिक्स बिल्कुल बैलेंस होकर बनेंगे। और इसके बाद बहुत ही ईजिली आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, हाथ से यूज़ कर सकते हैं। सभी में आपको चार चार इस तरीके से क्या बनाने, नाइट्रोजन स्पेस बना देने। अब एग्जाम में हमें इतना समय नहीं मिलता है कि हम उनको कलर करके अलग अलग कलर्स दिखा पाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से बनाने और उनको लिख दें एडेनिन, एडेनिन के सामने थायमिन, इधर यहाँ पर ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो इस सीक्वेंस में हम चलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डायग्राम को भी बना सकते हो बहुत ही ईजी वे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम आपने बनाना सीख लिया है। कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने मेरे साथ में ही बनाया था, और अगर बनाया था तो आपने उसे कितने परसेंट सीख पाया है। चलिए तो फिलहाल अब हम लास्ट में आ जाते हैं अपनी आखिरी बात पर डीएनए में, जो कि है डीएनए का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, यानी डीएनए क्या करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल, ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, और ये माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में पहुँचाता है। मीन्स इट इज़ अ जेनेटिक करियर विच ट्रांसमिट्स द जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन बाय जनरेशन। तो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाना, ये काम होता है हमारे डीएनए का। और ये सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, हर एनिमल में, हर प्लांट में, इवन हर लिविंग बींग में यही काम है इसका, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाना, ट्रांसमिट करना। तो सारी बातें हमने कर ली डीएनए के बारे में। आगे के वीडियोज़ में मैं बात करूंगा डीएनए से ही रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।